नमस्कार मित्रों और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिषेक सर, और आपका स्वागत है फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान से स्टडी चैनल में। पिछली वीडियो में हमारी कमी है और जो आप लोगों ने लाइक और कमेंट किया उसके लिए दिल से धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं उनसे कहिए करने के लिए, और उनके साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और किसी तरह का डाउट होता है तो तुरंत कमेंट करें। तो हम लोगों ने इंग्लिश का क्रैश कोर्सेस क्लास 10th का कर रहे थे, तो हम लोगों ने 6 चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अगर आपको 6 चैप्टर देखना है तो हमारे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं क्लास 10th का। तो आज हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, द स्लीपर पोर्टर, ठीक है, जिनके राइटर है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। उसके बारे में डिटेल समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर बाय पैराग्राफ बाय उसको हम समझेंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर का ये 7वां चैप्टर है, प्रोज इम्पोर्टेंट है, और आप प्रत्येक चैप्टर इम्पोर्टेंट है, और इसके प्रोज जैसे ही एक लास्ट चैप्टर है वाल्टर डेलामेयर का मार्था, उसके बाद वो चैप्टर समाप्त होते के बाद ही आप लोग को ग्रामर पढ़ाएंगे, और ग्रामर में ऐसा पढ़ाऊंगा कि उसमें से अगर मैं पढ़ाऊंगा और 10 सालों का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा यहाँ, और आप कर लेते हैं तो 90+ आप स्कोर कर लेते हैं। तो ज्यादा ना समय व्यर्थ करते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्लीपिंग पोर्टर, जिनके राइटर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, और आप लोग को पता है कि सबसे पहले मैं क्या पढ़ाता हूँ, ऑथर बायोग्राफी। तो समय न बर्बाद करते हुए देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या, हु इज लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, यानी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा कौन। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज ए नेपाली पोएट, प्ले राइट एंड नोवेलिस्ट। कहता है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा एक नेपाली, ठीक है, नेपाली कहाँ है, मतलब एग्जैक्टली इनका बताते हैं, एग्जैक्टली इनका घर कहाँ है, काठमांडू में, और काठमांडू कहाँ है, नेपाल में, यहाँ छूट गया है मगर यहाँ रहने वाले जो होते हैं वो काठमांडू के ही है वो। तो कहते हैं क्या, नेपाली वो कवि है, प्ले राइट यानी नाटककार भी है, और एक नोवेलिस्ट भी है, यानी जो नोवेल होता है। आप कभी 12 का मार्क्स 50 मार्क्स का बुक होगा जो पहले मिलता था, बंद हो चुका है वो, तो उसमें एक नोवेल पीछे दिया रहता था बहुत सारा। वो नोवेल का मतलब एक किताब, किताब के अंदर बहुत बड़ा उसका डिटेल समरी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना। हम आगे देखते हैं, ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ महाकवि इन नेपाली लिटरेचर, ही वाज नोन एज अ पोएट ऑफ विट अ गोल्डन हार्ट। कहता क्या है कि उन्हें महाकवि, यानी महाकवि भी उन्हें कहा जाता है, किसमें, नेपाली लिटरेचर में, जिस तरह हम लोग का बुक है इंग्लिश का जिस लिटरेचर कहते हैं, वो उन्होंने भी बुक लिखा होगा, और जिन्हें महाकवि, यानी महाकवि भी उनको कहा जाता है, जो बेहतर सभी में से बेहतर हो और कुछ मतलब अनोखा लिखे, और जिनके लिए उनको टाइटल मिल जाए। होता है ना आप लोग की तरह गेम या पढ़ाई लिखाई में भी होता है, जैसे कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, किन्हीं का हाई स्कोर होता है, किसी का लो स्कोर होता है, उस तरह से उनको क्लास बाय क्लास दिया जाता है। कहने का मतलब अगर फर्स्ट आते हैं तो आप टॉप है, यानी फर्स्ट नंबर पर आप है। तो बहुत सारे बच्चों के यही इसी तरह से समझा जाता है, बहुत सारे कवियों में से इन्हें महाकवि कहा जाता है, और इन्हें गोल्डन हार्ट भी कहा जाता है, सुंदर हृदय जो लिखा है, जो अपने लिखता है वो सुंदर हृदय से, यानी पढ़िएगा आप तो हमेशा एक सुंदर हृदय की तरह प्रतीत होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ही ऑब्टेन्ड अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी इन 1929। कहता है उन्होंने बैचलर स्नातक की डिग्री प्राप्त की कहाँ से, पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी कहाँ है, बिहार में ही है हम लोग का, और कहाँ कब प्राप्त की थी, 1929 में। ये क्वेश्चन थोड़ा आ सकता है, इस पर ध्यान दे दीजिएगा इस लाइन पर, ठीक है। आगे देखते हैं, 1948 ही प्रेसिड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल ऑर्गेनाइज बाय नेपाली सत्य प्रसाद। कहता क्या है कि 1948 में, 1948 में नेपाली सत्य प्रसाद, ठीक है, सत्य प्रसाद जी ने एक कवियों का सम्मेलन, कवियों का त्यौहार रखा, और इन्हें फर्स्ट नेशनल यानी मतलब अध्यक्ष के रूप में वहां उन्हें चुना गया, ठीक है। ये देखिए इनका मतलब अध्यक्षता बहुत पता चल रहा है कि ये कैसे कवि है इस लाइन के टॉपिक से, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कवि है। इनका कहानी पढ़िएगा तो और बेहतर तरीके से समझिएगा, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। अगला लाइन देखते हैं, दिस पोएट्री फेस्टिवल ही exiled himself to Varanasi, India to get Igwani, the voice of age, which was a mouthpiece of Nepali Congress. देखिए ये फेस्टिवल खत्म होने के तुरंत बाद ही वो कहाँ गए, वाराणसी। वाराणसी कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और वहां पर उन्हें क्या, इंडिया टू गेट, वहां पर जो रेडियो मिर्ची ये सब होते हैं उस समय का, तो
की गुमानी में उन्हें चुना गया, वहाँ उन्हें नौकरी लग गई। दिस फेस्टिवल समाप्त होते ही वो कहाँ गए, वाराणसी में, और उन्हें वॉइस ऑफ एज भी कहा जाता है, यानी क्या मतलब विच वॉज माउथ पीस ऑफ नेपाली कांग्रेस, यानी जो नेपाली का उस समय का जो फादर था वॉइस ऑफ एज का मतलब इस युवक की आवाज, ठीक है, युवक की आवाज, और किसके थ्रू कहा जाता था, जो नेपाली कांग्रेस कहते थे उन्हीं के मुख से वहाँ कहा जाता था, मतलब जो नेपाली कांग्रेस वहाँ के जितने भी थे वहाँ जो माउथ पीस जो कहते थे ये उन्हें करते थे, युवानी के थ्रू बोलते थे, जैसे रेडियो मिर्ची साहब आप सुनते हैं ना युवानी, जैसे रेडियो 93.5 FM ये सब, उसी समय ये युवानी कहा जाता था उस समय। अब देखिए, और इसके बाद आपको पता है एक चीज़ इसके बारे में डिटेल आपको बता दे रहे हो, बुक में लिखा हुआ है पुरुष लाइन को हम ज़्यादा पर हम आपको समझाना मेरा फर्ज है। क्या हुआ, जब ये वाराणसी यहाँ शिफ्ट हुए तो उनका जो संपत्ति था पूरा नेपाल में उन्हें क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया संघ सरकार के, ठीक है, क्योंकि वाराणसी भाग कर आए थे, और भाग के आए थे तो उनका जितना भी संपत्ति था वहाँ उन्हें क्या बहिष्कार कर दिया गया, यानी नेपाल में उन्हें फिर वापस नहीं लाया गया, उनका जितना भी संपत्ति था नेपाल में सब उन्हें कब्जा कर लिया गया। ये लाइन थोड़ा था लेकिन हम लिखे नहीं क्योंकि उतना डिटरमाइन नहीं करता, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको बता दिया। अब मैं हम लोग क्या ऑथर बायोग्राफी जान लिया, अब इनका बॉर्न और डाइड पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन समझाने का कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, ऑथर बायोग्राफी के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग उनका जन्म और मृत्यु के बारे में समझेंगे। तो कहता क्या है, बॉर्न एंड वेयर, उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो कहता है 13 नवंबर 1909 में काठमांडू नेपाल में उनका जन्म हुआ था। और बताया था मैंने काठमांडू कहाँ है, नेपाल में, मैंने आपको पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूँ। और उनका मृत्यु और कहाँ हुई थी, 14 सितंबर 1959 आर्यघाट काठमांडू टेम्पल, ठीक है, उनकी मृत्यु हुई थी 14 सितंबर 1959 को, जिनका एज था 49, यानी पूरा 50 भी नहीं पूरे थे, यानी सितंबर अक्टूबर नंबर दो मंथ बाद उनका पूरा 50 पूर जाते और उनकी उसी समय मृत्यु हो गई थी। और कहाँ हुई थी, आर्यघाट काठमांडू टेम्पल में। अगली चीज आपको समझ आता है, ये दो लाइन आप समझ लीजिए, इनका जन्म और मृत्यु कॉमन है हर राइटर का, आप जितना भी कभी तक पोइट्री पढ़े इनका जन्म और मृत्यु दोनों समझ लीजिएगा, दोनों पढ़ लीजिएगा, और कौन राइटर क्या लिखे है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे पक्का हम कह रहे हैं गारंटी लिख कर कि आठ नंबर का आपका पूछता ही पूछता है एग्जाम में, इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग उसका लाइन बाय लाइन समरी को समझते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों ने ऑथर बायोग्राफी के बारे में पढ़ लिया है, अब हम लोग समरी के बारे में पढ़ेंगे और समरी बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे, हम समझाएंगे और आपको समझना है, नहीं समझ आए आप कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से समझाएंगे, इजी वे में समझाएंगे, पर आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आप अगर समझ जाते हैं तो मेरा मेहनत सक्सेसफुल, यानी मेरा मेहनत सफलता के ऊंचाई पर छू लेता है, शिखर पा लेता है, यही कहानी है शिखर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहता है क्या, 25 kilo loads on his back, spine double bent, ठीक है। सबसे पहला लाइन कहता है, कभी यहां पर कहना चाहते हैं, देखो उस व्यक्ति को अपने पीठ पर, ठीक है, अपने कंधे पर, यानी बैक पीठ, यही सब, ठीक है, इस हिस्से पर 25 किलो का वजन लेकर वो व्यक्ति जा रहा है और उसकी रीत की हड्डी ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, लेकर जा रहा है, रीत की हड्डी झुकी हुई है, और कहाँ जा रहा है देखिए आगे, अब ये 6 mile क्लाइम अप इन द स्नो ऑफ विंटर, वो 6 mile उस घनी मतलब बर्फ की दबी हुई, मतलब इतनी ठंडी है कि बर्फ से वो पहाड़ पूरा छप चुका है, उस पर 6 mile वो व्यक्ति चले जा रहा है, ठीक है, और कहाँ जा रहा है देखिएगा आगे, नेक्ड बोन्स स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम यत फेसिंग ऑन अपहिल टास्क ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन। यहाँ पर देखिए कभी कितना एक
अलग अनुभव करवा रहे कि सपनों की दुनिया और हकीकत में, अगर सपने में भी आप मेहनत कर रहे हो और हकीकत में मेहनत कर रहे हैं, दोनों कितना अपनी और सफलता की ओर आप जा रहे, शिखर छू रहे हैं, वो कभी यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं। यहाँ कहता है क्या कि उसकी हद्या, उसकी नेक बोन यानी उसके आगे का ये पोर्शन, उसके कपड़े तक नहीं, उसके शरीर पर उसकी हद्या दिख रही, लाइक अ फ्रेम, जैसे आप लोग देखते हैं ना स्केलेटन का फोटो वोटो, या स्केलेटन आपने बायोलॉजी के क्लास में देखा होगा, उस शहर की उसकी हड्डी दिख रही पतले दुबले से एकदम बिल्कुल एक फ्रेम में जैसा छपा रहता है बिल्कुल उसी तरह। और वो माउंटेन को चुनौती देते जा रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारे शिखर पे पहुंच कर रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। और व्यक्ति सोचिए 6 माइल 25 किलो का वजन लेकर वो 6 माइल हरी बर्फ की पहाड़ियों पे वो चलते जा रहा है, 6 माइल जा रहा है, लगातार चलते जा रहा है, और उसकी बदन पर एक कपड़ा तक नहीं है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा है। देखिए उसने कितनी क्षमता है, पतला बावजूद होने के बाद, उसकी पूरी हड्डी दिखने के बावजूद वो कितना क्षमता रख रहा है कि हार नहीं मान रहा है, पहाड़ पे चढ़ते ही जा रहा है। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ, समझने का प्रयास करते हैं। अगर समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आए कमेंट कीजिए। अगला पैराग्राफ कहता है, ही इज वेयरिंग अ ब्लैक कैप दैट इज विद स्टेन। कहता क्या है यहाँ पर, कहते क्या है कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी, क्या कहते हैं कि उसकी टोपी एक गंदी सी दती सी पुरानी सी टोपी उसने अपने सिर पे पहनी हुई है, और उसकी टोपी पूरे पसीने से महक रही है। यानी सोचिए व्यक्ति जब आप कड़ी मेहनत करते हो तो आपको पसीना आएगी, चाहे ठंड में भी अगर साइकिल आप लगातार चला रहे, जिसमें मैं चलाता हूँ बहुत लगातार साइकिल चलाता हूँ, तो मेरे पर भी बहुत पसीना आती है, कहीं कपड़े भी स्मेल करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति खाली पैर और टोपी पहने हुए, पूरा गंदा टोपी, तो पहले से गंदा टोपी पहने हुए और उसके ऊपर से पसीना, उसकी पसीने बहुत मतलब कलर ब्लैक कलर का उसने टोपी पहना और उसमें से पसीना बहुत ही स्मेल कर रहा है, पसीने स्टेंड पसीने उसमें से चू रहा है, उसको टोपी भींग गया है पसीने से। हिज बॉडी इज एन अवॉर्ड ऑफ लिस एंड लिस हिज माइंड वेरी डल। उसकी बॉडी यानी समझिए इतना वो मतलब गया होगा कहीं पर, और इतना मतलब दिन हो गया उसको कई दिनों, क्योंकि निहायत तक उसके बॉडी में जुओ जुओ और लिच, लिसिस का मतलब जो खून चूसता है खत्म, दिल उसके पूरे बॉडी में नीचे से खत्म और जुए का घर हो चुका, और उसका दिमाग बिल्कुल दल कमजोर हो चुका है। देखिए कभी किस तरह से इसको दर्शाना चाहते हैं एक व्यक्ति को, वो बताया जा रहा है। अलाउ इट्स इमिट्स अ सल्फर लाइक सोर स्मेल, और वो बिल्कुल एक सल्फर ठीक है गंधक की खती, ठीक है खते एकदम गंधक होती है ना, गंधा खतक नींबू नींबू पूरा खता नींबू की तरह उसका क्या कर रहा है, पूरा बॉडी स्मेल कर रहा है, ठीक है पूरा बॉडी बट वाट स्टॉप ह्यूमन फिगर। लेकिन आप उस व्यक्ति के कार्य को देखिए, कितना वो सहनशीलता से कितना कथिर कठोर परिश्रम से मेहनत करते जा रहा है, और हार नहीं मान रहे, सबके बावजूद भी उसके बॉडी से पूरी इतनी गंदी स्मेल आ रही है, पूरी खत्म का घर हो चुका है, उसके जुए खून चूस चूस रही है, और क्या हो रहा है उसका स्केलेटन से शरीर पतला दुबला से होने के बावजूद, और उसको खत्मल और लिसेस यानी कीड़े मकोड़े जो ढील होता है वो उसके अंदर पूरे है, और उसका दिमाग भी बहुत कमजोर हो चुका है, और उसके बॉडी सल्फर की तरह यानी गंदा की तरह खत्ता महक रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी उस व्यक्ति का हिम्मत देख लीजिए कि वो पहाड़ पे चढ़ते जा रहा है, ठीक है इस कहानी से। ठीक है अब अगला पैराग्राफ हम समझेंगे। तो गाइज हम लोगों ने दो पैराग्राफ समरी का दो समरी समझ चुका है, अब तीसरा और फोर्थ समरी समझेंगे, ठीक है स्टैंडर्ड समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये है फर्स्ट थिंग, जब वो पहाड़ पे चढ़ता है तभी का है ये, लेकिन सॉरी जब वो पहाड़ पे चढ़ता है तब का है, और जैसे ही वो पहाड़ पे चढ़ता है, अब देखिए वो पहाड़ पे चढ़ता है कि सपना की दुनिया में रहता है उसके बारे में जानेंगे। तो जब वो चढ़ता है तब का ये है लाइन, समझिए लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज ट्यूटरिंग पेंटिंग ही इज स्वीटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है उसकी उत्सुकता
यानी जो पहाड़ पे जब आप कोई नया काम करते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाए कि आज आप पढ़िए, कोई नया काम आपको जैसे कोई मिला, जैसे आप घर पे कोई नहीं है, आप मैगी बना रहे, तो उत्सुकता में आप बनाए, खुशी से बनाएंगे कि नहीं हमको बनाना है ये कोई नया काम, हमें आप कुछ देख लीजिए। जब आपको नया कोई कार्य मिलता है करने के लिए, कोई आप जॉब करते या कोई पार्ट टाइम आप वर्क करते या किसी को पढ़ाते, तो आपको उत्सुकता रहता है उसको पढ़ाने की। उसी तरह इसको जब वो पहाड़ पे चढ़ रहा है तो उसकी उत्सुकता है, वहाँ पर उसकी उत्सुकता एक चिड़िया की चहचहाती चिड़िया की भांति है। लेकिन इन सबके बावजूद भी उसकी क्या हो रही है, सांसें क्या हो रही है, उसका हाथ धड़कन हृदय धड़कन बहुत तेज होते जा रही है और उसकी सांसें उखल रही है, यानी सांसें उसकी बहुत तेज, उसका सांस बहुत तेज लग रही है और उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। जब आप पहाड़ पर चढ़िएगा तो सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर हवा का दाब कम होता है और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा सांस लेने में दिक्कत होती है, उसी तरह उसको भी दिक्कत हो रही है पूरी तरह से। अब अगला देखते हैं। ए हट ऑन द क्लिफ हिज सन सिबलिंग विद होल। देखिए वो एग्जैक्टली कहाँ जा रहा था, पहाड़ पर, कहाँ, अपने बच्चों और अपनी पत्नियों के, सॉरी पत्नी के पास और अपने बच्चों के पास। कहते हैं देखिए, द हट ऑन द क्लिफ हिज सन सिबलिंग विद होल, पहाड़ की चोटी पर, ठीक है, एक छोटा सा झोपड़ी है और उसमें एक बच्चा जो ठंड से क्या हो रहा है, कपकपा रहा है। Ush of hunger, the mother searching needles and vines. वो भूख से पूरा बिलख रहा है, रो रहा है। जब होते हैं ना भूखे प्यासे तो क्या होता है, पूरा क्रोध गुस्सा आएगा सबसे पहले, उसके बाद रोने लगेगा। जब बच्चे आप रो रहिएगा, बड़े बड़े होते तो क्या होते हैं, भूख लगता है, तो जो बड़े होते खुद गाँव, तो बच्चे तो रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं अपने आसपास में मिल रहे हैं देखने के लिए, तो देखते हैं वो भूख से बिलख रहा है, रो रहा है और इसकी माँ को खोज रहे नीचे आकर से वो कुछ मतलब उसको गर्माहट दे सके, उसको कुछ खिला सके, पेड़ों की जड़िया या पत्ते वाइंस होते हैं ना, दस उसको कुछ झाड़ी उड़ी जो उसे जला सके, उसे कुछ पका कुछ भी खिला सके। भूखे में अगर कुछ भी आपको दिया जाए तो उस समय भूख खा लेता है कोई भी व्यक्ति कुछ भी। अगर आपको दो दिन बाहर से रोटी भी दिया जाए ना पूरा भूख लगा हुए में, तो आप वो निगल जाइएगा, ऐसे आप नहीं खाइएगा, पर भूखे में कुछ भी आप खा सकते हैं। वही चीज इसकी स्थिति के साथ हो रहा है। और 25 किलो एग्जैक्टली वजन वो ले जा रहा है, तो समझ लीजिए 25 किलो वजन में क्या क्या वो होगा, उसके बारे में फर्स्ट स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड समझिए। कहता है अगला पैराग्राफ, बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन द प्राउड कंट्योर ऑफ नेचर। कहता उस पर्वत के शिखर पे उस पर्वत का राजा है और वो प्रकृति का क्या है, वो प्राउड कर रहा है, यानी मैं इस पर्वत पे हूँ। यानी देखिए जब वो पर्वत पे चढ़ जाएगा तो वो समझेगा कि पर्वत का राजा, और वो क्या कह रहेगा, इस नेचर प्रकृति ने मुझे क्या कठोर एक कंक्योर मतलब एक लेवल पर, ठीक है, एक लेवल बाय लेवल हमें मेहनत करना सिखाया है। Are the snow clad peaks above only the star studded with lid of night? उसके पहाड़ पे चढ़ रहा है वो व्यक्ति और वो बता रहा है कैसे 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 वो चढ़ रहा है, और उस शिखर पे चढ़ के जब उसने तारों की तिमतिमाती तारों का पूरा तिमतिमाता हुआ देखा, तारों का जगमगाता देखकर उस शिखर पे जा रहा है, बर्फ पूरा चिरते हुए पहाड़ पे जा रहा है इन द नाइट, और रात भी में द पोएट इज डीप सम नंबर, और वो नींद की गहरी निंद्रा में सो जाता है, डिजनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, और उसकी गहरी नींद में ये सब वो सपना एग्जैक्टली वो देख रहा था, और उस सपने में भी कितना कठोर मेहनत कर रहा है वो देखिए, सोचने की बात है सपना में भी वो कितना कठोर कर रहा है, और सपनों की दुनिया में वो अपना राजा इन झंडा गाड़ लिया और पर्वत के शिखर पर पहुँच उत्सुकता से वहाँ का वो राजा पर्वत का राजा अपने आप को दर्शा रहे मैं पर्वत का राजा हूँ। होता है आप जब माउंटेन पर चढ़िएगा तो कहिएगा हाँ मैंने चढ़ लिया मैं पर्वत का राजा, बहुत सारा ऐसा ड्रीम रहता है सपना, लेकिन ड्रीम इसका था, इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर बिल्कुल से बिल्कुल करें आप लोग, और किसी तरह का दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों, राधे राधे।